आज हम बनाएंगे मखाने की खीर। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप इसे व्रत में बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और जब कभी भी आपका मीठा खाने का मन हो आप इसे ऐसे भी बनाकर खा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हुरुली और स्वागत है आपका मेरे किचन में। तो चलिए बनाते हैं मखाने की खीर। खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पैन चढ़ा दिया और अब पैन पर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी और इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप मखाने लिए हैं और अब इसे इस घी में हम भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो इसे लो फ्लेम पर आप भूनिए क्योंकि ये लग जाएंगे तो जो खीर है उसका टेस्ट नहीं अच्छा आएगा। तो इसे लो फ्लेम पर हम चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छे से। मखाने को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है और आप देख सकते हैं जो मखाना हमारा उसका कलर हल्का सा चेंज हो गया। बस इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भूनना है तो इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधे मखाने निकाल लिए हैं और इसे अब हम मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे और ये मखाने हम ऐसे खड़े ही डालेंगे खीर में। पैन में हम 1 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे और अब यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम और काजू लिए हैं। मैंने इन्हें खड़ा ही रखा है पर अगर आप चाहें तो आप इसे पूरा काट करके ले सकते हैं। अब इसे घी में हम हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे भून लिया है और आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो गया है। बस अब इसे हम निकाल लेते हैं और अब पैन में हम 1/2 लीटर दूध डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने फुल फैट मिल्क लिया है और अब इसे हम अच्छे से उबाल लेंगे दूध को। और अब यहाँ पर मैंने ये 2 चम्मच मलाई ली है घर की, इसे इस दूध में डाल देंगे। मलाई को दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दूध को हम तब तक पकाएंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। तो ये देखिए दूध में उबाल आ गया है, मैंने दूध को अच्छे से उबाल लिया है और अब इसमें हम डालेंगे ये मखाने जो मैंने खड़े रखे थे उसे यहाँ पर डाल देंगे और अब इसे मिला लेते हैं अच्छे से। और अब ये जो हमने आधे मखाने रखे थे जिसे मैंने दरदरा पीस करके लिया था उसे भी इसमें डाल देंगे और इसे इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे जो हमारी खीर है उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और खीर जो हमारी वो गाढ़ी बनेगी। मिला लेते हैं इसे अच्छे से और अब यहाँ पर हम चीनी ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कटोरी चीनी ली है, उसे डाल देंगे। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। यहाँ पर मैंने ली है 4 इलायची क्रश करके, उसे इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं। गैस की फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे 5 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पर जो काजू और बादाम हमने फ्राई करके रखे थे भी हम इसमें डाल देते हैं और अब इसे मिला करके हम पका लेंगे। पकाने से जो हमारी खीर है वो थोड़ी गाढ़ी बनेगी और टेस्ट भी इसका अच्छा आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी खीर है वो बन करके तैयार हो गई। आप देख सकते हैं खीर हमारी कितनी थिक हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मखाने की खीर बनकर के तैयार हो गई है। बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें।